हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको दो तरीके की म्यूनिस बनाकर दिखाएंगे, एक विदाउट एग और एक विथ एग। तो चलिए अब हम अपने म्यूनिस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम दो अंडे लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच विनेगर डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी। हमने इस मेयोनीज को तैयार करने के लिए 2 कप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, जिसमें से आधा हम अभी डाल देंगे। अब हम इसे बंद कर देंगे। और इसे 20 से 25 सेकंड तक चलाएंगे। हमें इसे बीच में रोक रोक कर चलाना है। हमने मेयोनीज को 20 से 25 सेकंड तक अच्छे से चला लिया है। हमारी मेयोनीज थोड़ी थिक हो गई है। अब बाकी का बचा हुआ ऑयल भी हम इसमें डाल देंगे और इसे और 15 सेकंड तक अच्छे से चलाएंगे। आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप मेयोनीज को बीच बीच में रोक कर चलाएं। इससे आपकी मेयोनीज को टेक्सचर और वॉल्यूम प्रोवाइड होगा और आपकी मेयोनीज बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी। मैंने इसे 15 सेकंड तक अच्छे से चला लिया है। हमारी मेयोनीज बहुत ही अच्छी बनी है। हमारी मेयोनीज बहुत ही थिक बनी है और इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली मेयोनीज जैसा है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रीमी बनी है और इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है। हमारी मेयोनीज वैसे बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अगर आप इसमें और ज़्यादा वॉल्यूम और टेक्सचर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा और ऑयल ऐड करिए। इससे आपकी मेयोनीज और भी ज़्यादा थिक बनेगी। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 से 15 सेकंड तक अच्छे से चलाएंगे। इससे हमारी मेयोनीज और भी ज़्यादा थिक बनेगी और इसका वॉल्यूम और टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। हमें इसे चलाते हुए 10 से 15 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी मेयोनीज इतनी थिक हो चुकी है कि अब इसमें ऑयल मिक्स नहीं हो पा रहा। तो अब हम इसे एक चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। हमने इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारी मेयोनीज बहुत ही ज़्यादा थिक बनी है। अब हम इसका ढक्कन क्लोज कर देंगे और इसे 5 से 7 सेकंड तक और चलाएंगे, जिससे हमारा ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमें चलाते हुए इसे 7 सेकंड हो चुका है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी मेयोनीज अब बिल्कुल अच्छे से तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी थिक बनी है और ये बिल्कुल इसका टेक्सचर मार्केट जैसा है। तो आप भी इस मेयोनीज को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाने के लिए इस बाउल में डालकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेयोनीज कितनी थिक बनी है और इस मेयोनीज का टेक्सचर और वॉल्यूम भी कितना ज़्यादा अच्छा है। इस मेयोनीज का कलर भी बहुत अच्छा आया है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। आप इस मेयोनीज को एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अब हम आपको विदाउट एग मेयोनीज बनाकर दिखाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप दूध लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और अब इसमें हम 1/2 कप तेल डालेंगे। और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 10 से 15 सेकंड तक अच्छे से चलाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आपको इसे बीच बीच में रोक कर चलाना है। 10 से 15 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। यह अभी बिल्कुल देखने में पानी जैसी लग रही है। हम इसमें और ऑयल ऐड करेंगे और इसे 5 से 7 सेकंड तक और चलाएंगे। हमने इसे 7 सेकंड के लिए चला लिया है। अब इसे हम एक और बार चेक कर लेते हैं। ये थोड़ी सी थिक हुई है। अब इसमें हम बाकी का बचा हुआ ऑयल डाल देते हैं और इसे और 5 से 10 सेकंड के लिए अच्छे से चलाएंगे।
हमने इसे 10 सेकंड के लिए चला लिया है। अब इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी विदाउट एग मेयोनीज भी अब तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये थिक हो चुकी है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। अब इसमें जो हमारा थोड़ा बहुत ऑयल बच गया है वो डाल देंगे और इसे 5 सेकंड के लिए और चला लेंगे। इसे चलाते हुए हमें 5 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। हमारी विदाउट एग मेयोनीज रेडी है। ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और ये बहुत थिक बनी है। ये मेयोनीज भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप इस मेयोनीज को भी बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो ये मेयोनीज बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसका टेक्सचर थोड़ा सा लिक्विड टाइप में है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये हैंड ब्लेंडर में ज़्यादा अच्छी तरीके से बनती है। यदि आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप उसमें इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इसका टेस्ट सेम हैंड ब्लेंडर वाली मेयोनीज जैसा है, बस इसका टेक्सचर थोड़ा लिक्विड टाइप में है। आप इस मेयोनीज को ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी मेयोनीज कैसी बनी है। यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप हमें अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अब हम फेसबुक पर भी पोस्ट डालते हैं, तो आप वहाँ पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।